स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू लेट्स ट्राई वन एंड टू, एंड नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लेन लेट्स ट्राई थ्री. बट योर लेट्स ट्राई थ्री इज डिपेंड ऑन सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लर्न हाउ टू चेंज सिंगुलर नंबर इन टू प्लूरल नंबर. सो आई विल टेल यू देर आर सम रूल्स to change singular into plural. So we will start step by step, and now I'm going to explain the first rule. According to first rule, if any word ends with s, double s, ch, sh, x, double x, z, double z, अगर कोई वर्ड आपका इन लेटर्स से एंड होता है, वी एड ई एस टू मेक इट प्लूरल. तो हम इन वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए ई एस को ऐड कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बी यू एस, बस. बस को जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या ऐड करेंगे, ई एस, बी यू एस ई एस. इन द सेम वे जी एल ए डबल एस, ग्लास, जी एल ए डबल एस ई एस, ग्लासेस. एफ ओ एक्स, फॉक्स, एफ ओ एक्स ई एस, फॉक्सेस. बी ओ एक्स, बॉक्स, बी ओ एक्स ई एस, बॉक्सेस. एम ए टी सी एच, मैच, एम ए टी सी एच ई एस, मैचेस. B R U S H, brush, B R U S H E S, brushes. B U double Z, buzz, B U double Z E S, buzzes. You can see here that these words end with some different letters as S, double S, C H, S H, X, X, double Z. So in all these words are made plural number. इन सभी वर्ड्स को प्लूरल नंबर में जब चेंज किया गया तो उनमें क्या ऐड कर दिया हमने, ई एस. ओके, एस, बसेस, ग्लासेस, फॉक्सेस, बॉक्सेस, मैचेस, ब्रशेस, बजेस. तो इन दिस वे यू कैन चेंज सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर इफ द वर्ड इज एंड विद दीज लेटर्स. अगर वर्ड इन लेटर से एंड हो रहा है तो उसमें ई एस ऐड करके हम उसको प्लूरल बना लेते हैं. ओके, सो वी आई विल एक्सप्लेन द अदर रूल्स इन माई नेक्स्ट वीडियोज स्टेप बाय स्टेप. टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.